Dear students, in previous class, I explained you how to balance chemical equation. I gave you few examples, but on request of some students, I am going to give you few more examples to balance the chemical equation, so that you may better understand. Whatever examples I am going to explain, and I have already explained, you must practice yourself, because only practice will make you perfect. So first of all, let's see few more examples of balancing chemical equation. Balancing chemical equations. So the first example I am going to take is sodium sulfate, Na2SO4. दो लिख दे
कॉस्टिमेटर तो हो गया, लेकिन इसका असर कॉपर में भी पड़ा, कॉपर भी डबल हो गया, तो कॉपर तो यहाँ एक है तो यहाँ पे तो लगा देंगे, अब आप देखो ये बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से वी कैन बैलेंस डिफरेंट केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन नंबर थ्री, Mn4 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl फॉर्म्स मैंगनीज क्लोराइड MnCl2 प्लस क्लोरीन गैस एंड प्लस वाटर H2O। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां कि Mn एक है, एक है Mn बैलेंस है, मैंगनीज बैलेंस है, क्लोरीन पर ध्यान दो, क्लोरीन यहाँ दो है और यहाँ भी दो है, दो प्लस दो चार, मतलब प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन हमारे पास चार एटम है, रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन एक है तो हम यहाँ पे चार ले लेते हैं, क्लोरीन चार हो गया, चार क्लोरीन बैलेंस हो गया, मैंगनीज पहले से बैलेंस है। अब हाइड्रोजन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं, चार हाइड्रोजन हो गए इधर, और इधर कितने हैं, दो हाइड्रोजन है, तो अगर हम दो यहां लिख दें टू टू जा फोर हाइड्रोजन चार हो गया, लेकिन इसका असर ऑक्सीजन पर भी पड़ा, ऑक्सीजन दो हो गया, तो दो ऑक्सीजन इधर है, इधर देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो है, मतलब अब ये मेरा बैलेंस हो गया। वी विल टेक अनदर एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस HgPO4 H3PO4 forms calcium phosphate CH3PO42 and water. So calcium phosphate और water, आप यहां देखो कि कैल्शियम एक है, कैल्शियम यहां भी एक है, कैल्शियम मेरा बैलेंस, फॉस्फेट पूरा का पूरा ध्यान दो, पूरा एक बार में PO4, तो यहाँ PO4 दो है, यहाँ एक है, तो क्यों ना हम यहाँ दो लगा दें, तो मेरा पूरा का पूरा PO4 जो है वो दो हो गया, तो PO4 बैलेंस हो गया, कैल्शियम एक है, कैल्शियम बैलेंस से बैलेंस है। अब जरा हम गिनते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कितने होंगे लेफ्ट साइड में, 2 3 6 6, और इधर तो एच है H2, 6 plus 2 8, तो आठ इधर हाइड्रोजन आएगी, यहाँ दो ही है, चार से मान लेते हैं, तो 4 2 का है, हाइड्रोजन 8 हो गया, हाइड्रोजन 12 हो गया, ऑक्सीजन को गिन लेते हैं, 4 ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीजन को नहीं गिनेंगे क्योंकि ये PO4 पहले से बैलेंस है, ये कंबाइंड PO4 को हमने बैलेंस दिया हुआ है, तो इसका ऑक्सीजन हम इग्नोर करेंगे, हम इसके अलावा जो ऑक्सीजन है उसको काउंट करते हैं, चार ऑक्सीजन इधर और यहाँ पे मेरा चार ऑक्सीजन इधर है और यहां पे मेरा ये CH3 होना चाहिए, तो वी विल बैलेंस अगेन, Now this is the correct formula. This is CH3PO42, right? So now we will see here that CH3 है, तो पहले कैल्शियम को बैलेंस करते हैं। तो CH3 है, तो यहाँ पर भी हमने 3 लिख दिया। PO42 है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। तो PO4 पूरा का पूरा बैलेंस हो गया, और कैल्शियम भी बैलेंस है। अब अगर हम लोग हाइड्रोजन गिनते हैं, हाइड्रोजन कितने होंगे, देखो यहां से 2 3 6 और इधर भी 2 3 6, तो
तो 6 6 12 12 हाइड्रोजन हो गए आईपी 2 3 6 और 3 2 6 6 + 6 12 हाइड्रोजन तो इधर भी 12 हाइड्रोजन यहां पे हम 6 कर देंगे तो 6 2 12 हाइड्रोजन हो गया नबाल हो गया और ऑक्सीजन मिलते हैं ऑक्सीजन कितने हो गए 3 2 6 और इसको नहीं मिलेंगे क्योंकि हमने पहले PO4 को कंबाइन एक तरीके से बैलेंस किया हुआ है सो PO4 क्या ऑक्सीजन हम नहीं काउंट करेंगे उसको इग्नोर करना है तो 3 2 6 और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया सो आई हैव बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन सो दिस इज अनदर एग्जांपल लेट अस सी अदर एग्जांपल आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स फॉर यू FeS आयरन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन O2 फॉर्म्स Fe2O3 Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड सो FeS O2 Fe2O3 एंड SO2 प्योर बैलेंस ओके लेट अस सी फर्स्ट आयरन Fe2 Fe2 है हमारे पास तो यहां एक है हम यहां धो लेते हैं तो आयरन मेरा Fe बैलेंस हो गया अब आप ध्यान दो सल्फर यहां दो है सल्फर इसका असर सल्फर भी पड़ा ना तो सल्फर दो हो गया तो यहां पर भी सल्फर दो होना चाहिए यहां दो लगा दिया हमने सल्फर बैलेंस हो गया अब जरा ऑक्सीजन को गिन ले तो ऑक्सीजन यहां दो है ऑक्सीजन यहां दो है और यहां कितना है 2 2 4 2 2 4 प्लस 3 7 मतलब इधर ऑक्सीजन मेरा 7 है इधर ऑक्सीजन कितना है 7 है और इधर ऑक्सीजन कितना है 2 है अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहां पे कौन सी ऐसी संख्या नंबर लिखे जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर इधर 7 हो जाए हमें ऑक्सीजन 7 चाहिए इधर लेकिन हम ऐसी संख्या को यहां लिखना चाहेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे किससे 2 से 7 होना चाहिए तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 7 हो तो सिंपल मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं 2 में अगर हम 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट करके 7 हो जाएगा मतलब हम यहां क्या लिखेंगे 7/2 क्या लिखेंगे 7/2 अब अगर आप मैथमेटिकली इसको देखोगे तो आपको अब ये बैलेंस नजर आएगा सब कुछ बैलेंस है देखो Fe2 है सल्फर 2 है सल्फर भी 2 है ऑक्सीजन देखो कितना है 3 2 4 3 7 यहां पे 2 × 7/2 कट गया 7 हो गया लेकिन जनरली जब हम बैलेंस करते हैं तो ये जो संख्या है इसको फ्रैक्शन में नहीं रखते एक नॉर्मल स्टैंडर्ड हैबिट नहीं होनी चाहिए तो हम इस फ्रैक्शन को हटाना चाहेंगे क्या करें कि ये फ्रैक्शन हट जाए बहुत आसान तरीका है हम इस पूरे को पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 2 से हर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से इसको तो 2 4 2 से इसको तो यहां 2 लिख देंगे 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 का 2 कट जाएगा तो 7 बच जाएगा और 2 से ये 4 हो जाएगा मतलब इक्वेशन मेरा बन जाएगा 4 2 4 FeS प्लस ये 2 कट जाएगा 7 4 2 एरो 2 Fe2O3 प्लस 2 2 4 SO2 सो आप यहां पे एक नया बात सीखा कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन का भी यूज कर सकते हैं लेकिन बाद उसको फ्रैक्शन को रिमूव करना है एक नंबर से मल्टीप्लाई करके पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है ओके फास्फोरस पेंटा क्लोराइड PCl5 प्लस वाटर H2O फॉर्म्स
H3PO4 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो PCl5 प्लस H2O गिव्स यू H3PO4 एंड HCl, ये तो बैलेंस है। देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा क्लोरीन का सबसे ज्यादा संख्या 5 है, और हमने पहले ही बताया था कि जिसकी संख्या, जिस एटम की संख्या ज्यादा हो उस पर ज्यादा ध्यान दो, उस पर पढ़े कंसंट्रेट करो। तो 5 है तो क्यों ना हम 5 यहाँ 1 है तो यहाँ 5 लगा दे, तो 5 क्लोरीन हो गया, 5 क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब एक चीज ध्यान देना है कि फॉस्फोरस 1 है, फॉस्फोरस में बैलेंस है, हाइड्रोजन में ना 5 है इधर और 3 इधर है, 5 प्लस 3 8, 5 3 8, तो यहां भी 8 करना है तो 4 अंदर लिख दिया तो 4 भी लाइट हो जाएगा। नाउ लेट अस सी व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन मींस द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो इट्स सो सिंपल, यू कैन सी इक्वेशन नंबर 7, वी हैव CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू C6H12O6, 6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, इट्स अ वेरी वेल लिक्विड, वेल नोन इक्वेशन, यू नो इट्स अ फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस में ही होता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल CO2 एंड वाटर कंबाइंड टू गिव्स यू ग्लूकोज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम कार्बन पे ध्यान देंगे, कार्बन का संख्या 6 है इधर, तो इधर जब 6 होना चाहिए तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस कर दो, तो कार्बन बैलेंस हो गया तो ध्यान दो किस पे, हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन 12 है तो इधर भी 12 होना चाहिए ना, तो यहाँ 6 लिख दूं तो 6 इधर 12, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन गिनते हैं, ऑक्सीजन देखो क्या है, 6 इधर 12 प्लस 6 18, 18 ऑक्सीजन इधर, इधर कितना है 6 प्लस 2 8, बैलेंस नहीं है ऑक्सीजन बैलेंस। हम क्या करें कि इधर 18 हो जाए, देखो 6 वाले से है, हम यहाँ पे अगर 6 लिख दें तो 6 प्लस 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन हो जाएगा ना, सो द इक्वेशन इज बैलेंस। नाउ अनदर एग्जांपल 8, इट इज B2Br6 ब्रोमीन B2Br6, B for boron, Br for bromine, plus HNO3, that is nitric acid, gives you B boron, boron NO3, plus HBr, HBr means hydrogen bromide, इसे C hydrogen chloride होता है, HBr hydrogen bromide होता है, इसे हमें balance कर दो। See the equation, B2Br6, HNO3, BNO3 3, और फिर HBr। सबसे पहले एक चीज ध्यान देना है, nitrate, पूरा nitrate 3 है, हम इसको एक bunch के रूप में इकट्ठा काम करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, NO3 3 है, पूरा NO3 3 है, तो इधर भी NO3 3 होना चाहिए ना पूरा, यहाँ 3 लग रहा है तो NO3 बैलेंस हो गया। सबसे पहले देखो बोरोन B2 है, यहाँ B1 है, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे तो मेरा बोरोन भी बैलेंस हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, बोरोन के आगे 2 लगाने से 8 2 6 नाइट्रेट इतना 6 हो गया, तो नाइट्रेट अब यहाँ पे 3 नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें 6 लिखना पड़ेगा। अब आपको नाइट्रेट भी बैलेंस हो गया, ब्रोमीन भी बैलेंस हो गया। अब ध्यान दो Br पे, ब्रोमीन पे, ब्रोमीन कितने हैं 6 है, इधर ब्रोमीन तो एक ही है ना, यहाँ 6 लगा देता हूँ। अब ध्यान दो हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं, 6 हाइड्रोजन इधर, इधर कितने आए 6 हाइड्रोजन, मतलब सब कुछ बैलेंस। So you can see how easy it is to balance any chemical equation. Let us see another example. 9. It is ammonia NH3 plus O2 oxygen gives you NO plus H2O.
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO प्लस H2O. सो हाउ टू बैलेंस इट? सबसे पहले आप क्या देखोगे, यू विल फाइंड दैट नाइट्रोजन बैलेंस है मेरा, नाइट्रोजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन भी दो है, ऑक्सीजन की बैलेंस है. मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हाइड्रोजन का है. हाइड्रोजन यहाँ दो है और यहाँ पे तीन है. अब हम देखो हाइड्रोजन यहाँ दो है, यहाँ तीन है. हम कौन ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे कि दोनों की संख्या बराबर हो जाए. तो दो को हम तीन से मल्टीप्लाई कर दे और तीन को दो से मल्टीप्लाई करें तो दोनों सिक्स होगा ना. सो थ्री टू सिक्स, हाइड्रोजन सिक्स हो गया और टू थ्री सिक्स, हाइड्रोजन सिक्स हो गया. सो हाइड्रोजन इज बैलेंस. लेकिन उसका असर किस पे पड़ा? उसका असर पड़ा ऑक्सीजन पे. ऑक्सीजन तीन हो गया, तीन इधर और एक चार ऑक्सीजन हो गया. और एक और प्रॉब्लम है, नाइट्रोजन दो हो गया, नाइट्रोजन यहाँ एक है. तो सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं. नाइट्रोजन दो है तो यहाँ भी दो लगा देते हैं. तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया. अब ऑक्सीजन से आते हैं तो तीन ऑक्सीजन प्लस दो ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन हो गए? पांच ऑक्सीजन. ऑक्सीजन पांच है इधर, थ्री प्लस टू फाइव. इधर कितने हैं? इधर ऑक्सीजन टू है. अब कौन ऐसा संख्या मल्टीप्लाई करे इधर यहाँ पे, कौन ऐसी संख्या लिखे कि जिस संख्या को दो से मल्टीप्लाई करने पे पांच आ जाए? वो ऐसी संख्या क्या हो सकती है? फाइव बाई टू, क्योंकि दो दो कट जाएगा, पांच आ जाएगा. तो हम यहाँ पे फाइव बाई टू लिख लें. सो ये मैथमेटिक्स का सहारा ले लेते हैं तो थोड़ा देर के लिए. लेकिन स्टैंडर्ड जो वे है वो है कि उसमें फ्रैक्शन को नहीं लिखना चाहिए. तो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसका असर क्या होगा? जब दो से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो दो दो कट जाएगा तो पांच बचेगा. लेकिन ये दो से सभी को मल्टीप्लाई करना होगा. मतलब इसको दो दो की चार, इधर राइट फोर, एन एस थ्री, फाइव बाई टू इंटू टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा तो फाइव और टू, टू टू जा फोर एन ओ प्लस थ्री टू जा सिक्स एच टू ओ एंड यू कैन सी नाउ इट इज वेल बैलेंस्ड. सो इन दिस वे वी हैव सीन डिफरेंट एग्जांपल्स. वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक आफ्टर दिस, एन ए थ्री पी ओ फोर, एन ए थ्री पी ओ फोर सोडियम फॉस्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एस सी एल. इट गिव्स यू NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H3PO4. ओके, सो हाउ टू बैलेंस इट? बहुत सिंपल है. देखो सोडियम यहां तीन है, यहां एक है. हम सिंपली यहां तीन लिख देंगे, सोडियम बैलेंस हो गया. लेकिन इसका असर क्लोरीन पे पड़ा. क्लोरीन कितने हो गए? तीन हो गए. तो यहां भी क्लोरीन चाहिए ना, तो तीन लिख दो. मतलब सब तो इस तरीके से जितने वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स आप सॉल्व करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. सो आई विल लाइक यू टू प्रैक्टिस एट होम. लेट अस सी अनदर एग्जांपल 11. KNO3 पोटासियम नाइट्रेट प्लस H2CO3. It gives you K2CO3 plus nitric acid, HNO3. You can see here example,
पोटासियम नाइट्रेट KNO3 प्लस H2CO3 गिव्स यू K2CO3 एंड HNO3। सो हाउ टू बैलेंस इट, सबसे पहले आप ध्यान दो पोटासियम पे, के दो है यहाँ, के एक है, दो लगा दो, पूरा का पूरा नाइट्रेट पर ध्यान दो, NO3 पूरा का पूरा कितना हो गया, दो हो गया, तो यहाँ NO3 तो एक ही है ना, तो क्यों ना हम यहाँ दो लगा दें, तो ये पूरा का पूरा NO3 दो हो गया, तो NO3 बैलेंस है, पोटासियम के भी बैलेंस है, नाइट्रेट भी बैलेंस है। CO3 को भी हम इकट्ठा कंसीडर करते हैं, CO3 पूरा का पूरा एक है, तो यहाँ एक है, CO3 बैलेंस है। हाइड्रोजन को देखो, दो हाइड्रोजन इधर है, तो हाइड्रोजन दो भी इधर है, सो इट वेरी बैलेंस, ये बैलेंस हो गया। नाउ सी अनदर एग्जांपल, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H3PO4 gives you K3PO4 plus H2O. You can see here potassium hydroxide KOH plus H3PO4 plus K3PO4 and plus H2O. So how to balance it? Again, पोटासियम पे ध्यान दो, के थ्री है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी थ्री होना चाहिए ना, तो यहाँ पर हमने थ्री लिख दिया, हमने थ्री लिख दिया, पोटासियम तीन हो गया। ओके, पूरा का पूरा फॉस्फेट वन, यहाँ भी वन है, नो प्रॉब्लम। नाउ लेट अस सी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हो गए, तो थ्री हाइड्रोजन इधर है, तीन हाइड्रोजन, थ्री थ्री सिक्स, यहाँ पे दो है, तो क्यों ना हम यहाँ तीन लेंगे, थ्री प्लस सिक्स हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। नाउ अगर ध्यान ऑक्सीजन का ध्यान दो, ऑक्सीजन कितने हो गए, तीन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ भी तीन है, देखो इस ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा पूरा का पूरा पीओ फोर हमने एक कंबाइंड फॉर्म में कंसिडर कर लिया, तो इस पीओ फोर का ऑक्सीजन को इग्नोर करना है, हमें सिर्फ इसके अलावा जो ऑक्सीजन है उसको बैलेंस करना है, तो ये तीन ऑक्सीजन इधर हुआ, तीन ऑक्सीजन इधर हुआ, सो इट वेल बैलेंस। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, इट इज SnO2 प्लस H2। Sn क्या होता है, तीन, गिव्स यू Sn प्लस H2O, इसे कैसे बैलेंस करना है, SnO2 प्लस H2 gives you SN plus H2O. तो SN तो एक है, इधर भी SN है, SN के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोजन में दो है, इधर भी हाइड्रोजन दो है, प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, तो हमें यहाँ दो तो लिखना ही पड़ेगा, ऑक्सीजन दो है, अब हाइड्रोजन पे इसका असर पड़ गया, हाइड्रोजन चार्ज हो गया, तो हाइड्रोजन को चार्ज करना चाहिए, यहाँ दो लगा दिया, तो नाउ इज बैलेंस। Now let's see another example 14. KClO3 potassium chlorate plus P4 phosphorus gives you P4O10 and potassium chloride, KCl. So KClO3 plus P4 phosphorus gives you P4O10 and potassium chloride, KCl. How to balance it? P4 तो बैलेंस ही है, बैलेंस है, तो हमें किस पे ध्यान देनी है, हमें ध्यान देनी होगी पोटेशियम पे, पोटेशियम भी बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन 10 है, तो
सबसे पहले ऑक्सीजन यहां 10 है, यहां 3 है, ध्यान दो ऑक्सीजन यहां 3 है, यहां ऑक्सीजन 10 है। कौन सी ऐसे नंबर लिखे हम यहां पे संख्या लिखे ताकि ऑक्सीजन इक्वल हो जाए। अब सोचो अगर हम 10 में यहां एक तो एक तो कोई बात ही नहीं है, दो लिखते हैं तो 20 हो जाता है, तो ऑक्सीजन 20 हो जाएगा, तो तीन में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा, कोई ऐसा संख्या ही नहीं है, तो दो नहीं चलेगा, तीन से मल्टीप्लाई करते हैं, तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 10 = 30, थ्री में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा 10, तो 10 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि यहां हम 10 लिख देते हैं और यहां पर हम 3 लिख देते हैं। सो आप क्या फाइंड करते हो, 3 ऑक्सीजन 30 हो गया, ऑक्सीजन यहां भी 30 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन इसका असर पोटेशियम पर पड़ा, पोटेशियम 10 हो गया, तो यहां भी 10 लिखना पड़ेगा हमको, इसका असर क्लोरीन पे भी पड़ा, पोटेशियम क्लोरीन 10 है तो यहां भी क्लोरीन 10 है, नो कोनो फास्फोरस, लेकिन यहां पे कितना हो गया 4 × 12 फास्फोरस यार 12 हो गया, तो यहां भी 12 होना चाहिए ना, तो यहां भी 3 लिख दूंगा मैं। सो फास्फोरस इज नॉट बैलेंस, सो द होल केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। Now let us see another example. It is HClO4 plus P4O10. P4O10 gives you H3PO4. प्लस Cl2O7 Cl2O7 सी द इक्वेशन नेम HClO4 प्लस P4O10 गिव्स यू H3PO4 प्लस Cl2O7 देन हाउ टू बैलेंस इट। फॉर द फर्स्ट टाइम आप देखो यहां पे फॉस्फोरस पे ध्यान दो, P4 है, यहां पर P1 है, तो हम यहां पे 4 लगा देंगे तो फास्फोरस बैलेंस हो गया। अब हम क्लोरीन पे ध्यान देंगे, तो क्लोरीन मेरा यहां 2 है, यहां क्लोरीन 1 है, तो यहां हमने 2 लगा दिया, चलो ठीक है, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, फास्फोरस भी बैलेंस हो गया। अब जरा हम लोग ऑक्सीजन पे ध्यान देते हैं, ऑक्सीजन पे ध्यान देते हैं, और वी कैन से दैट अगर हाइड्रोजन को देखें तो 4 × 12 हाइड्रोजन हो गया, और इधर हाइड्रोजन 2 है, तो यहां 2 के जगह पे हम 12 भी लेते हैं, तो मेरा हाइड्रोजन हो गया। सो इस प्लेस ऑफ ऑक्सीजन हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, 4 × 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, फॉस्फोरस 4 हो गया। अब इसका असर पड़ता है किसके, क्लोरीन पे, 12 क्लोरीन है इधर, 12 क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ 2 है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं, तो 6 × 12 क्लोरीन हो जाएगा। ऑक्सीजन पे आप क्या होगा, ऑक्सीजन देखो 12 × 48 प्लस 10 58 इधर 58 ऑक्सीजन हो गया, इधर देखो 4 × 16 16 + 6 = 42 कितना हो गया 628 415, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है। सो दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। सो इन दिस वे व्हाट वी हैव सीन टुडे, वी हैव सीन फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, सो मस्ट प्रैक्टिस इट टू गेट कमांड टू गेट कॉन्फिडेंस। Okay, thank you.